हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों बात करेंगे नेपाल की, बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की और मोंटी देसाई की। हम सभी को पता है कि मोंटी देसाई को लेकर एक बस बना हुआ है इस वक्त पर, बिकॉज जो 14 डेज का कैंप लगा हुआ है नेपाल क्रिकेट टीम का टीम इंडिया में, यानी एनसीए में, एंड वहां पर ही मैट विद राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ के साथ उनकी मुलाकात होती है और वो बातें जो है इन दोनों की काफी लंबी चलती है। एंड जो रिपोर्ट आ रही है, हम सभी को पता है कि राहुल द्रविड़ विल जॉइन दी राजस्थान रॉयल्स, और दैट इज द रीजन कि हम देख रहे हैं कि क्या मोंटी देसाई, जिनका टेन्योर जो है नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा दिन का नहीं बचा हुआ है, मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने यहाँ से बचे हुए हैं, बिकॉज फरवरी में वो टेन्योर एंड हो जाएगा। लेकिन अब जो ये बातें भी चल रही है कि मे बी यू विल सी दी नेक्स्ट असिस्टेंट कोच ऑफ द राजस्थान रॉयल्स, वो कौन बन सकता है, मोंटी देसाई। एंड अगर मोंटी देसाई वहां जा रहे हैं तो क्या उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड नहीं होगा। अब देखिए चीजें क्या है, अगर मोंटी देसाई नेपाल को छोड़कर जाते हैं तो नेपाल के प्लेयर्स का फायदा है, मतलब इवेंचुअली, बिकॉज इन्होंने वर्क किया जिस तरह से नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। अब अगर मोंटी देसाई की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज के लिए वर्क किया है, अफगानिस्तान के लिए वर्क किया है, एंड ही ऑल्सो वर्क विद नेपाल क्रिकेट टीम जो कि अभी करंट में कर रहे हैं, और यूएसए जैसी टीम को छोड़ के इन्होंने नेपाल को कोच किया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हाँ, क्रिकेट की पैशन वाली कंट्री के लिए गए वो। और अब पता बड़ी चीज क्या है, अगर ही विल बी द नेक्स्ट असिस्टेंट कोच ऑफ द राजस्थान रॉयल्स, देन आप चीजें देखोगे नेपाल के प्लेयर्स के हक में बहुत बेहतरीन तरीके से होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज आप देखोगे कि वो उसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें स्पार्क है, मतलब वो स्पार्क नजर नहीं आया बट टैलेंट बहुत है। कुशल भूतेल में ऑब्वियसली आपको टैलेंट भी नजर आया है, वो चाहे एशिया कप वाली पारी आप देख लो, या फिर जब स्टार्टिंग में हुआ था जिस तरह के ताबड़तोड़ पारी खेलते थे, हालांकि पिछले 6-7-8 महीने उनके लिए बहुत बेहतरीन निगह है, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस खराब रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे इसके बाद कुशल मल्ला, सोमपाल कामी वगैरह की परफॉर्मेंस आती रही है, लेकिन कुशल मल्ला वॉज द मैन जिनको मैं देखता हूँ ना, बहुत टैलेंटेड, उनके पास जो बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं, बट एट द एंड कहानी वही है कि वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। तो अब देखो, अगर यहाँ से छोड़कर जाते हैं राजस्थान रॉयल्स मोंटी देसाई, तो अब इनके पास एक क्या राय कि नेपाल के प्लेयर्स को जिनको इन्होंने देख रखा है उनको ये चाहेंगे राहुल द्रविड़ को एडवाइस देंगे कि भाई हम इनको पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर दीपेंद्रा हो गए, सोमपाल गांधी हो गए, मतलब संदीप लामिचाले होंगे, संदीप लामिचाले तो फर्स्ट चॉइस होंगे एंड मुझे लगता है कि वो पिक होंगे तो वो खेलेंगे भी। बट अगेन अगर इसके बाद हम देखें सोमपाल गांधी, दीपेंद्र सिंह आए, दीपेंद्र को हालांकि अभी प्रूफ करना है बहुत कुछ जिस तरह से कनाडा लीग में 1-2 इनिंग आई, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उठाकर उनको खिला दो, आप 20 लाख में जाओ, 20 प्राइस में लो और उस एनवायरमेंट में रखो उनको 2-3 साल बनाओ, और जब वो बन जाएंगे ना तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है वो, हमने देख चुका है, हमने देखा किस तरह 6 छक्के लगाए हैं, फास्ट 50 उनके रन, भले छोटी टीमों के अगेंस्ट नाम है बट उन्होंने किया है ना, तो वो टैलेंट जरूर है उनमें, तो वो चीजें है। बट ऑन दी अदर हैंड, अब अगर ये होता है कि मोंटी देसाई कहते नहीं मुझे 1 साल और रुकना है, 2026 तक रहना है और इस टीम को बेहतर बनाकर जाना है, मैं यहाँ से यहाँ पर लाया हूँ तो मैं क्यों ना यहाँ पर करके जाऊँ और इस टीम को और बेहतर थोड़ा निखार कर जाऊँ, एंड उसके बाद ये टीम जब अपने पैरों पर खड़ी हो तब इस टीम को छोड़ के जाऊँ, बीच मझधार में ना खेलूँ। हालांकि हो सकता है मोंटी देसाई जाए तो कोई बेहतर कोच और मिल जाए, लेकिन मोंटी देसाई जिनकी प्लेयर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ और जो बाकी कैन बोर्ड के भी लोग हैं, सबसे बहुत बेहतर तरीके से बनती है। तो आई थिंक मे बी आप देख सकते हो कि शायद इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर अब दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है, यहाँ पर मोंटी देसाई की भी और उनके साथ ही कैन बोर्ड की भी, जब दोनों की सहमति बनेगी इसके बाद ही आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो, जो हमने राहुल द्रविड़ के साथ देखा था 2023 के बाद टेन्योर खत्म हो रहा था, बट कप्तान का भरोसा था रोहित शर्मा का और बोर्ड ने भी कहा कि हाँ ठीक है राहुल भाई एक बार और करते हैं और देखते हैं, 2024 में वो गए एंड वहां पर हमने देखा कि टीम इंडिया ने क्या कुछ किया। तो क्या मोंटी देसाई 1 साल और रुक सकते हैं और थोड़ा सा बेहतर बनकर निखार सकते हैं नेपाल की टीम को, जो भी आपको लगता है आप इस पर अपने इनपुट्स दीजिए, क्या लग रहा है कि मोंटी देसाई रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे, और अगर नहीं रुकेंगे तो क्या वाकई में राजस्थान रॉयल्स के असिस्टेंट कोच बन सकते हैं या फिर, जो भी आपको लगता है जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है।